हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 2 अप्रैल 2018 की प्रीलिम्स अपडेट सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू और पीआईबी की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो कवर करेंगे। तो चलिए डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम 1 अप्रैल की जो भी न्यूज़ है उनको भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो आज आर्टिकल है वो है रूपाश्री स्कीम के बारे में। रूपाश्री स्कीम या रूपाश्री स्कीम, ये एक्चुअली स्टेट के द्वारा चलाई हुई स्कीम है, बट कई बार यूपीएससी पूछ लेती है क्योंकि यह स्कीम है ये मेनली फीमेल है वुमेंस के लिए स्कीम है, चलाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा। इस स्कीम में ये प्रावधान किया गया है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा ये स्टार्ट की गया मेनली, कि भाई जो भी गरीब लड़कियाँ हैं उनको एक्चुअली शादी के टाइम पे फाइनेंशियल हेल्प है, फाइनेंशियल सपोर्ट है, उनको दिया जाएगा। तो इसलिए रूपाश्री स्कीम है या चलाई गई, आपको ध्यान रखनी कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट द्वारा इसमें कुछ प्रावधान ये किए गए हैं कि भाई जिसके परिवार की इनकम है वो अप्रोक्सीमेट 1.5 लाख एनुअल से कम होनी चाहिए, तभी उसको इस स्कीम का बेनिफिट वो मिलेगा। और जो लड़की है उसकी एज है वो 18+ होनी चाहिए, एजुकेशन की कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि इसके आधार पर आपको मैरिज में पैसा वगैरह दिया जाएगा। और यह शादी से पहले गवर्नमेंट है वो पैसा देगी 25,000 की गवर्नमेंट के द्वारा की है। और ये एक्चुअली वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा इस बार के बजट में इसका प्रावधान भी रखा गया था, तो अभी इस स्कीम को स्टार्ट है वो कर दिया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा जो पुअर गर्ल्स हैं उनकी शादी के लिए फाइनेंशियल एड देने के लिए रूपाश्री स्कीम है वो स्टार्ट की गई है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे आप नोट डाउन करके रख सकते हो। स्टेट के द्वारा चलाई स्कीम है तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। चलते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया हुआ है ई वे बिल के बारे में। ई वे बिल है देखो वो मैंने जीएसटी के तहत गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट करने की बात थी और अभी है 1 अप्रैल से है इंप्लीमेंट है वो हो गया है। अब आखिर है क्या ई वे बिल, हम इसको मोटा मोटा समझ लेते हैं ताकि जो हमारे यूपीएससी में काम आएगा वो फैक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखो बात ऐसी है कि कोई भी व्यापारी है अगर वो अपना सामान ए जगह से बी जगह सामान लेके जा रहा है, उसकी डिस्टेंस मिनिमम में कंडीशन ये रखी गई है कि भाई कम से कम 10 किलोमीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए और सामान की जो वर्थ है वो होनी चाहिए 50,000 से ज़्यादा। मतलब 50,000 से कम का सामान है, 10,000 से कम थोड़ी 10 किलोमीटर से कम का एरिया है तो वो चीज़ इंक्लूड नहीं होती है, तो ई वे बिल की जरूरत नहीं होती है। इसमें प्रावधान किया गया है कि भाई व्यापारी अगर अपना सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर कर रहा है या मतलब ट्रांसपोर्ट कर रहा है लॉजिस्टिक के थ्रू, तो उसको एक्चुअली ऑनलाइन एक बिल है वो जनरेट करना होगा कि भाई मैं मेरा सामान है वो यहाँ से यहाँ मूव कर रहा हूँ। तो इसलिए एक तो क्या है कि इसमें टैक्स वगैरह की चोरी नहीं हो पाएगी उससे, क्योंकि सारा रिकॉर्ड रहेगा कि इस व्यापारी ने अपने यहाँ से यह सामान है वो ट्रांसफर किया है या इस स्टेट से इस स्टेट में ट्रांसफर किया है, तो इसलिए एक तरीके से ऑनलाइन अपडेट रहेगी। इसके साथ ही एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स है जो कि जीएसटी पोर्टल के द्वारा जनरेट किया जा रहा है, एक तरीके से एविडेंस के तौर पर काम करेगा कि भाई इस सामान को यहाँ से यहाँ मूव किया गया तो उसका एक सबूत है ये प्रूफ के तौर पे। लिमिट इसके है कि सामान की जो वर्थ है वो होनी चाहिए कम से कम 50,000 रुपए की। और ये जो पोर्टल है ई वे बिल वाला, ये क्लू जनरेट किया गया बनाया गया वो क्या गया नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा, जो कि आपको पता है NIC जो कि गवर्नमेंट की वेबसाइट वगैरह गवर्नमेंट के सर्वर वगैरह को रेगुलेट वगैरह करती है। और अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन आज का ये बनाना है कि जो नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। NIC को फंड वगैरह वो कौन करता है, क्योंकि गवर्नमेंट की जो भी वेबसाइट होती है जैसे cbse.nic.in वगैरह, तो NIC के द्वारा ही यहाँ पे डेवलप की जाती है गवर्नमेंट के ऑफिशियल मेल IDTC सारे काम। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ई वे बिल आपको मैंने बता दिया कि 1 अप्रैल से स्टार्ट हो गया, चाहे आप इंटरस्टेट सामान ट्रांसफर करो या फिर इंट्रास्टेट अगर आप सामान ट्रांसफर कर रहे हो उस कंडीशन में आपको ई वे बिल है वो जनरेट करना होगा। बस कंडीशन ये है कि भाई 50,000 रुपये से ज़्यादा का सामान होना चाहिए और जो डिस्टेंस है दोनों के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में वो एक्चुअली 10 किलोमीटर से ज़्यादा है वो होनी चाहिए, तभी ई वे बिल है वो जनरेट करना होगा और एक तरीके से एविडेंस के तौर पर काम करेगा। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो चाइना के जो वेदू सैटेलाइट है इसको लेके आया था। तो हम एक्चुअली जो पूरे वर्ल्ड के जो नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम है इनके बारे में एक बार हम नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि UPSC इनको मेज द फोरम वगैरह में पूछ लेती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं GPS के बारे में। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है GPS है वो एक्चुअली USA के द्वारा डेवलप किया गया है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि GPS है वो USA का है। इसके बाद में आता है गैलोनास आता है वो आता है रसिया का, ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। और जो गैलीलियो आता है वो आता है आपको पता है गैलीलियो थे वो एक्चुअली यूरोप के साइंटिस्ट थे, तो ये एक्चुअली यूरोपियन यूनियन है उनके द्वारा मिलकर बनाया गया, मतलब यूरोपियन यूनियन के यही सेटेलाइट सिस्टम है गैलीलियो। इसके बाद में अगला आता है बेदू है वो एक्चुअली चाइना का है। तो अभी इसके बाद में कंटेक्स्ट आया था कि चाइना ने इसमें जो सेटेलाइट की एरिया है वो अपना मतलब बढ़ा दिया है, मतलब 30 से 32 सेटेलाइट हैं वो भी कर दिए। तो ये सब हमें याद नहीं रखना है कि चाइना ने कितने अपने सेटेलाइट सिस्टम में 10 से 15 किए हैं, 15 से 20 किए हैं, वो क्या है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता। बट ये हमें पता होना चाहिए कि बेदू जो सेटेलाइट सिस्टम है वो एक्चुअली नेविगेशन वाला वो चाइना का है। इसके बाद में आता है IRNS या फिर नाविक जो आता है हमारा इंडिया का, जो कि अभी कुछ टाइम पहले ही बनाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। इसके बाद में चलते हैं अगला जापान का है, उसका नाम है क्विज। तो ये आपको ध्यान रखना है जो क्विज है ये एक्चुअली जापान का है। ये हमें जो बेसिक है जो नेविगेशनल सिस्टम है पूरे वर्ल्ड में वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। ये मैच द फॉलोइंग वगैरह में UPSC पूछ सकती है, तो आप एक बार इनको अच्छे से नोट डाउन करके माइंड में सेट कर लीजिएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल आता है हमारा
वो आता है NSDC के बारे में, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के बारे में। तो इसके बारे में जो पॉइंट्स हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। देखो इसे 2009 में एक्चुअली फाइनेंस कंपनी के तहत बनाया गया था, फाइनेंस जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा इसे बनाया गया था, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री है सॉरी, ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप देखोगे सोचोगे क्या नेशनल स्किल डेवलपमेंट है तो ऑब्वियसली फाइनेंस मिनिस्ट्री का तो कोई लिंक ही नहीं होगा, बट भाई यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये एक्चुअली फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा 2009 में बनाया गया था। और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये आती है कि यह नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के आधार पर इसको डेवलपमेंट काउंसिल कॉरपोरेशन को बनाया गया था। ये दोनों पॉइंट आप माइंड में से ध्यान रखिएगा। काम क्या है, काम ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है कि भाई स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट करने इसका बेसिक फंड काम है। इसके साथ किस तरीके से काम करते हैं वो भी हम देखते हैं। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन क्या करती है, यह एक्चुअली ना फाइनेंशियल हेल्प या जो भी तरीके का सपोर्ट है वो प्रोडक्ट देने की कोशिश करती है, जिसकी भी जरूरत होती है किनको, यह देने की कोशिश करती है वोकेशनल इंस्टीट्यूट को। मतलब यह खुद तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, बट यह जिस भी कंपनी की हेल्प वगैरह करेगी वो प्रॉफिट के लिए काम करेगी। आपको ध्यान रखना कि जो वोकेशनल इंस्टीट्यूट होता है ना, जो कि ट्रेनिंग वगैरह देते हैं या फिर बच्चों को जॉब वगैरह देने के लिए काफ़ी हेल्पफुल वगैरह करते हैं, उनको यह एक्चुअली सपोर्ट वगैरह हेल्प वगैरह करेगी जो कि प्रॉफिट के लिए काम करेंगे। मतलब खुद तो नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी है बट जो इसके द्वारा इंस्टीट्यूट वगैरह बनाए जाएंगे वो फॉर प्रॉफिट के लिए काम करेंगे। मतलब वो इंस्टीट्यूट है वो तो प्रॉफिट कमाएंगे बट इसका कोई प्रॉफिट के लिए काम करने का फंड ऐसा कुछ नहीं। ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि भाई इसके द्वारा जो बनाए जा रहे इंस्टीट्यूट है ना वो फॉर प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं यहाँ पे, ये चीज इंपॉर्टेंट आ जाती है। तो ये तो हमने देख लिया NSDC के बारे में। कंटेक्स्ट ये था कि अभी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो इसको वापस से दोबारा से रिस्ट्रक्चर करने की कोशिश वो कर दिए ताकि इसमें जो भी खामियां वगैरह हैं उनको दूर किया जा सके। चलते हैं हम आगे। इसी के साथ अगली जो न्यूज़ है वो इसी से अटैच है, वो है नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड के बारे में, NSDF के बारे में। इसे भी 2009 में ही बनाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। काम क्या है इसका, नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड है ना, यह एक्चुअली एक पब्लिक ट्रस्ट की तरह काम करता है। मतलब एक तरीके से डोनेशन है वो कलेक्ट कर रहा है। अब ऐसा नहीं है कि डोनेशन केवल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट वगैरह या गवर्नमेंट से कलेक्ट करता है, यह डोनेशन है वो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट जो प्राइवेट है कोई भी ऐसी बॉडी है वहाँ से डोनेशन कलेक्ट करता है। और अब डोनेशन कहाँ जाएगा, ये डोनेशन है सारा सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रेगुलेट करती है और इस फंड मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो इसको रेगुलेट करती है। फिर ये जो फंड है ना ये एक्चुअली सारा का सारा जाता है वो जाता है यहाँ पे NSDC के पास, क्योंकि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वो तो एक्चुअली फाइनेंशियल हेल्प वगैरह या जो भी तरह का सपोर्ट है वो देगी लोगों को, कंपनी वगैरह को या किसी भी लोगों को। तो इसलिए ये चीज़ ध्यान रखनी है कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट जो फंड है ना वो पैसा कलेक्ट करेगा, फिर वो सारा पैसा जाएगा NSDC के पास में, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के पास पैसा जाएगा और वो पैसा फिर वो एक तरीके से जो वोकेशनल इंस्टीट्यूट है उनको बनाने में दिया जाएगा। तो ये इस तरीके से दोनों चीज़ हमें ध्यान रखनी है। बस ये देख इसमें ये देख लेना नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, इसमें कोई फाइनेंस मिनिस्ट्री का कोई रोल वगैरह कुछ नहीं है। काम क्या है, डोनेशन क्लिक करना। इसके बाद में अगली जो लास्ट न्यूज़ है वो आई है भिकाजी कामा के बारे में। भिकाजी कामा एक कोस्टल गार्ड शिप था जिसको भी डीकमीशन है वो कर दिया गया है। तो डीकमीशनाइज करने के बारे में यह न्यूज़ वो आई है। तो UPSC पूछ सकते हैं भिकाजी कामा शिप वगैरह के बारे में। देखो ये नाम किस लिए पढ़ा, यह नाम इसलिए पढ़ा था क्योंकि भिकाजी कामा थी वो हमारे देश की वुमेन फ्रीडम फाइटर थी जो कि काफ़ी नामों से काफ़ी पॉपुलर थी एक्चुअली, उसके आधार पर इस शिप का नाम रखा गया था। और ये एक्चुअली जो हमारे देश में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है ना, तो 200 नॉट जैसे ये हमारा इंडिया है आप, तो इसका जो ओशियन वाला एरिया में 200 नॉटिकल माइल्स, ये EEZ जो जोन होता है ना 200 नॉटिकल माइल्स वाले दूर वाले एरिया में, इस वाले एरिया में एक्चुअली सिक्योरिटी देने का काम है वो करता था ताकि कोई भी पायरेसी है यहाँ पे कोई भी स्मगलिंग वगैरह कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज वगैरह ना हो। तो ये आपको ध्यान रखना है भिकाजी कामा है क्या, कोई शिप है या कोई मिसाइल वगैरह UPSC से किसी घुमा फिरा के कुछ भी है वो पूछ सकती है। तो ये थी हमारी डिस्कशन, एक बार हम आज रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि आज मंडे था तो कुछ इसमें न्यूज़ वगैरह आई नहीं है। सबसे पहले हमने स्कीम के बारे में डिस्कस किया, वो था रूपाश्री स्कीम जो कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा लेके आई गई है। इसमें पुअर गर्ल्स की शादी करने के लिए गवर्नमेंट है वो 25,000 की फाइनेंशियल एड है वो देगी शादी से पहले। इसके बाद में अगला था वो था ई वे बिल के बारे में। ई वे बिल है वो एक्चुअली GST पोर्टल है जो कि इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स की तरह काम करेगा, ये एक तरीके से एविडेंस के तौर पर भी काम करेगा ताकि सामान का इधर से उधर मूवमेंट हो रहा है तो उसको ट्रैक वगैरह किया जा सके कि हाँ भाई कोई ब्लैक मनी या कोई भी गलत काम सामान हो गया तो नहीं है। तो सबके लिए ई वे बिल है वो गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया और ये अभी 1 अप्रैल से एक्टिव फॉर्म में आ गया है। इसके बाद में अपने नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम डिस्कस किए, GPS है वो USA का है, GLONASS है वो रशिया का है, गैलीलियो है वो यूरोपियन यूनियन का है, बेदू है वो चाइना का है, IRNS या नाविक है वो इंडिया का है और क्रूज है वो है जापान का। इसके बाद में हमने नेक्स्ट न्यूज डिस्कस की थी वो थी NSDC के बारे में, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, फाइनेंस कम्युनिस्ट्री के द्वारा इसको बनाया गया था 2009 में, काम स्किल देना है। अब इसके लिए जो फंड आता है एक्चुअली वो फंड आएगा वो आएगा नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड के द्वारा जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया था, एक तरीके से पब्लिक ट्रस्ट के तौर पर काम करता है।
तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है बेसिक पॉइंट वाला। जो फंड वगैरह चंदा वगैरह लेता है वो गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट जो भी कहीं से भी चंदा वगैरह कलेक्ट हो कर लेते हैं। इसके बाद में हमने बिकाजी कामा के बारे में देखा कि जो कि एक कोस्टल गार्ड शिप था जिसको भी डिकमीशन है वो कर दिया गया है। ये बिकाजी कामा वैसे वेस्टर्न नहीं वुमेन फ्रीडम फाइटर थी, उनके नाम पर इसका रखा वो नाम रखा गया था, तो विशेष सेवा से हटा दिया गया। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन, फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। और एक्चुअली आज हिंदू का वीडियो वो लेट अपलोड हो सकता है क्योंकि मुझे किसी कारणवश जानना है, या फिर आज पब्लिश भी नहीं होगा। पब्लिश होगा तो आई थिंक 10 o'clock तक मैं पब्लिश कर दूंगा, बट सडनली लेट्स सी, देखते हैं हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।